कांग्रेस पार्टी को अपनी फॉर्चून्स रिवाइव करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाल में जो चुनाव हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं हैं। आप कांग्रेस पार्टी में उन लोगों में से हैं जो कि एक बड़ी रेयर कमोडिटी होते जा रहे हैं, वो हैं लोकसभा MP। 2024 में उस तादाद को कम से कम दुगना तिगुना अगर चार गुना करें तो बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस पार्टी के आज से लिहाज से सोचे तो ये लक्ष्य होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। कैसे होगा ये, वो नैरेटिव कांग्रेस जो लोगों के मन का खो चुकी है वो कैसे दोबारा बनाए? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उसके बाद जो रायपुर का कांग्रेस का सेशन हुआ तो एक कोशिश की गई कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव इस मुल्क के सामने पेश किया जाए और उसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है कि भाई जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी एक विचारधारा है, उसके विपरीत हमारी ये विचारधारा है और हमारा ये नैरेटिव है। अगर आपको याद हो जब ये 2014 में सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छे दिन आएंगे जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इस देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ना चाहिए या कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। लोगों ने उनको मौका दिया, अब अच्छे दिन ऐसे आए कि 1000 रुपये से ज़्यादा का गैस का सिलेंडर हो गया है, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमत है, महंगाई ने त्राही त्राही करवाई हुई है और अनेकों ऐसे विषय हैं जो आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन सब मुद्दों को को पिरोकर कांग्रेस पार्टी को इस देश के सामने एक अल्टरनेटिव नैरेटिव देने की जरूरत है। आपसे मैं ये सवाल इस तरीके से पूछता हूँ, लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के पास क्या वो लीडरशिप है, और फ्रैंकली पूछता हूँ आपसे, क्या राहुल गांधी वो लीडर हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज एक नहीं अनेक लीडर हैं और राहुल गांधी जी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक इतनी लंबी यात्रा की और लाखों लोगों से मिले और एक अल्टरनेटिव विजन जो उनका था उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक चुनाव करवाए, एक नया अध्यक्ष चुना, उसके बाद जो रायपुर का सेशन था उसमें उस चीज़ को एम्प्लीफाई करने की कोशिश की गई। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई नेतृत्व की कमी है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, दो इलेक्शंस सीधे सीधे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, आप माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रही, प्रिंसिपल अपोजिशन रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो तो चेहरा रहे उनका, यहाँ चेहरा राहुल गांधी का ही दिखा है हमेशा। आपने उनको पिच किया हो चाहे ना किया हो, लोगों ने चुनाव किया है नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी और चुनाव साफ था। देखिए, हर चुनाव अलग होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2004 के चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल था उनका चेहरा मरहूम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं था उस चुनाव में, कोई डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं था, पर 2004 में UPA की सरकार बनी, 2009 में कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो 2009 में सरकार बनी। 2014 में आपकी बात सही है, 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा। तो इसलिए हर चुनाव की जो परिस्थिति है और जो तासीर है वो अलग होती है और 2024 का जो चुनाव है वो बहुत अलग सा चुनाव होने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैं सियासत को समझता हूँ, 42 साल मैंने भी कांग्रेस पार्टी में लगाए हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मुझे एक बहुत अजीब सी सकपकाहट इस देश में सुनने को और देखने को मिलती है। और देखिए, आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, जब तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा था कोई नहीं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बिल्कुल कोई नहीं कह रहा था कि उनके 92 सीट आएगी 117 में से। ऐसा घटना चक्र घूमा 21 दिन में कि नतीजे कुछ बिल्कुल ही विपरीत निकले। तो जो इस मुल्क के लोग हैं, जो उनकी एक कॉमन सेंस जिसे कहते हैं,
उसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि लोगों को एक व्हीकल चाहिए अगर उनको सत्ता परिवर्तन करना है। आफ्टर ऑल उनको किसी और को वोट देना पड़ेगा, किसी को वोट आउट करने के लिए। तो वही मेरा सवाल था कि वो व्हीकल कौन बनेगा। इसी इसमें भी विरोधाभास है। इस देश में एक और बड़ी विचित्र परिस्थिति है। इस देश में लोग पहले ये तय करते हैं कि निकालना किसको है, और फिर जो निकाल सकता हो उसको वोट दे देते हैं। और वो वोट कभी कभी बहुत छितरा होता है पूरे देश में। मैं 77 का उदाहरण देता हूँ। 77 में लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि कांग्रेस को नकारना है, पर उस समय भी जिस तरह के नतीजे उत्तर भारत में आए थे, वो नतीजे दक्षिण भारत से बिल्कुल विपरीत थे। कांग्रेस की उस समय भी 156 सीट आई थी, जिसको कांग्रेस की सबसे बड़ी हार माना जाता है। तो मेरा जहाँ आप ये कह रहे हैं कि अगर लोगों ने बीजेपी को हरा भी दिया, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को 200 सीट दे देंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर जो सकबकाहट मुल्क में है वो इस पड़ाव तक पहुंच गई कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बदलाव ज़रूरी है, तो फिर वो बदलाव किस कस्म का होगा वो उसका फैसला लोग अपने आप कर ले। अच्छा ये बताइए कि क्या विपक्ष को कोई चेहरा देना चाहिए या नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे हम जीते? देखिए ऐसा है कि ये फैसला तो कांग्रेस के नेतृत्व करना है, सामूहिक रूप से उनको ये फैसला करना है कि 2024 के चुनाव में क्या कांग्रेस पहले अपना कोई चेहरा आगे रखना चाहेगी, या जो जो कंबाइंड ऑपोजिशन है, सामूहिक विपक्ष है, वो एक चेहरा आगे रखना चाहेगी। इस चीज़ों के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी का भी उदय हुआ था, वो मई 2013 में जो गोवा में उनकी बैठक हुई उसके बाद ही उदय हुआ था। तो इसलिए ये जो अगला एक साल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जो आखिरी साल होता है किसी भी सरकार का, और जब चुनाव का की घंटियां सुनाई देनी शुरू होती हैं, तो लोग भी अपना मन बनाना शुरू करते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाना शुरू करती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।